नमस्कार दर्शकों, आज हम पलपल स्टूडियो से प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में बातचीत आरंभ करेंगे। आप सभी का इसमें स्वागत है और हम स्वागत करते हैं हमारे बीच में प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर श्री सुभाष कुमार जी का, जो कि स्थानीय सिरसा में ही मानव नेचर क्योर के नाम से प्राकृतिक चिकित्सालय के संचालक है भी हैं। प्राकृतिक चिकित्सा एक बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा है। प्रकृति पांच तत्वों के मेल से बनी है और ऐसे ही मानव शरीर भी पांच तत्वों से बना है, तो आज हम इसी विषय पर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। तो डॉक्टर साहब, मैं आपका अभिनंदन भी करती हूँ हमारे स्टूडियो में पधारने पर, और मैं जानना चाहूंगी और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा है क्या। सबसे पहले तो मैं गीता मैम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे YouTube के चैनल के द्वारा जनता के सामने अपनी बातें और अपना अनुभव रखने का मौका दिया है। और अब मैं आपको प्राकृतिक चिकित्सा क्या है इसके बारे में बताना चाहूँगा। प्राकृतिक चिकित्सा वास्तव में एक जीवन विज्ञान है। मान लो कि जैसे नॉर्मल आदमी है, वो एक स्वास्थ्य के साथ अपने रूटीन के कार्यों को करते हुए और बिना किसी ज़्यादा तामझाम के स्वस्थ कैसे रहा जाए, उसका जो जीवन विज्ञान है वही प्राकृतिक चिकित्सा है। अब प्राकृतिक चिकित्सा के लिए कुछ विशेष थोड़े विधियों का सहारा लेना पड़ता है। उसमें जैसे इसका बेस होता है पंच तत्व। आदमी का जो शरीर है वो पांच तत्वों से बना हुआ है, ठीक है, और उन्हीं पांचों तत्व है वो अलग अलग चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं जी। किसी तत्व की शरीर में कमी होती है, किसी की अधिकता होती है, तो प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा ही हम उन तत्वों का बैलेंस करते हैं। और इसमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो मिट्टी पट्टी होती है। मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है कि दुनिया के हर प्रकार के जहर को खत्म करने की कैपेसिटी रखता है। इसलिए हम शुरुआत है वो प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी से करते हैं। पेट पर मिट्टी की पट्टी रखते हैं, उसके बाद में आगे के बहुत से मेथड है, प्रोसेस हैं, वो चलते रहते हैं। उसमें मिट्टी पट्टी है, एनिमा है, कटी स्नान है, स्टीम बाथ है, यानी कि बहुत से तरीके हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा के दायरे में आते हैं जी। और इन सब का उद्देश्य यही होता है कि प्राकृतिक चिकित्सा के जो पाँचों तत्व हैं उनके संतुलन करना, और मनुष्य की गलत लाइफस्टाइल के कारण या जाने अनजाने किसी भी कारण से शरीर के अंदर अगर कोई रोग पैदा हो गया है, यानी कि विजातीय द्रव्यों का ठहराव हो गया है जी, तो उस चीज को प्राकृतिक चिकित्सा की सहायता से धीरे धीरे करके बाहर निकालना जी, ये प्राकृतिक चिकित्सा। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी चल रही है और हम लोगों ने शायद ही अपना अपना जीवन ऐसा बना दिया है कि हर चीज का हम इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं। अगर हमारे कहीं पेन है, दर्द है, तो हम सोचते हैं कि एक पेन किलर ले लें और उसमें हमें आराम आ जाए, और आराम आ भी जाता है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि वो आराम आराम नहीं होता, क्योंकि वो रोग और वो जो कारण है वो भी हमारे अंदर मौजूद रहता है। पर प्राकृतिक चिकित्सा कैसे आम जो इतनी भागदौड़ वाली, इतना बिजी शेड्यूल रहता है हर एक का, तो इस चिकित्सा से किस प्रकार से आम इंसान जो है वो लाभ ले सकता है। देखिए, सबसे पहले तो माइंड में ये बात रखना जरूरी है कि शरीर के अंदर कोई भी रोग होता है ना जी, वो न तो एकदम से आता है, वो न ही एकदम से जाता है। और किसी भी तरीके से यदि हम किसी रोग को तुरंत रिलीफ के लिए या फिर कोई ऐसा तरीका है कि उससे हमें जल्दी आराम हो जाता है, तो वो 100 का 100 सही हो, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। यानी कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आपके आंतों में मल जमा हो गया है। इस मल को वो एक दिन में मल जमा नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन की स्थिति होती है वो कम से कम जो मान के चलो 5-4 साल तक आपको पता भी नहीं चलता कि कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। और उसको अगर आप किसी भी एक दवाई से रिलीज करना चाहते हो, या फिर कोई ऐसी दवाई है कि वो एकदम से आपको रिलीज उस चीज को कर भी देती है, तो प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से नहीं है, वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। तो कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक चिकित्सा के जो सिद्धांत है उनका पालन नॉर्मल जीवन में भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ ऐसे नियम है कि उनका हम
पालन कर ही नहीं सकते। बिल्कुल छोटी छोटी बातें होती है, सामान्य जो नॉर्मल लाइफ की बातें होती है, वही प्राकृतिक चिकित्सा है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा की मिट्टी से, भाप से और कटी स्नान और ऐसी अनेक विधियां हैं जिनके द्वारा चिकित्सा की जाती है, और यही समझ में आता है कि इसके द्वारा हमारे शरीर के जो अंदर के जो मल है उसको किसी भी तरीके से, विष है, मल है, उनको निकालने का प्रयास किया जाता है। तो डॉक्टर साहब ने आज हमें बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है और किन विधियों से इसका उपचार किया जाता है और कैसे हम एक अपने दैनिक जीवन का इसको हिस्सा बना सकते हैं। तो इसके साथ ही दर्शकों की मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये हमारा ये सीरीज रहेगी और प्राकृतिक चिकित्सा पर, और प्राकृतिक चिकित्सा का एक अंग एक्यूप्रेशर भी है। एक्यूप्रेशर के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो दर्शकों, हमसे जुड़े रहें और अगली सीरीज में इसके बारे में हम एक्यूप्रेशर पर बातचीत आरंभ करेंगे कि एक्यूप्रेशर से किस प्रकार चिकित्सा की जाती है। और डॉक्टर साहब, हम आपका फिर से धन्यवाद करते हैं, और आप अपना एक संपर्क नंबर बताएं जिससे कि कोई अगर कोई पेशेंट आपसे संपर्क करना चाहे तो वो कर सके। प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है, मानव नेचर क्योर के नाम से है, जो कि पंजाब पैलेस के साथ में ही है, और कॉन्टैक्ट नंबर है 9355936085। इस पे कॉल करके आप अपनी बीमारी के बारे में, अपने डाइट प्लान के बारे में, किसी भी विषय में प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित आप संपर्क कर सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। धन्यवाद दर्शकों।